हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी के लिए सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको पॉलिटी के वह सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पीछे एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। पीछे 3 साल के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको जो है हमारे चैनल पर मिलेंगे। आज से जो है हम एसएससी जीडी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 1000 क्वेश्चन की मैराथन क्लास जो है पहले अपलोड कर दी गई है, उसे भी आप ज़रूर देखें। उसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। हर एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वह 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैराथन के रूप में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है हमारे संविधान के ऊपर, यानी भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1940 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें दोस्तों हमें वह सदस्य पता करना है जो कि 1940 में जब संविधान सभा स्थापित की गई थी उसके अंदर सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय सदस्य थे। इसके बाद है ऑप्शन बी, के एम मुंशी, ये भी जो है संविधान सभा के सदस्य थे। इसके बाद है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा ऑप्शन डी जो है अबुल कलाम आज़ाद, ये भी जो है संविधान सभा के सदस्य थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, जो कि जुलाई 1940 में जब संविधान सभा स्थापित की गई थी उस समय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं या एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 के अंदर आया था, इसके आधार पर ही जो है भारतीय संविधान सभा को गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे वी मावलांकर। जे वी मावलांकर जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? बी एन राव, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान जो है कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान अपनाया गया था। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? तो ये जो चुनाव है ये किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है ये सबसे पहले कहाँ और कब गाया गया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 27 दिसंबर 1911 को कहाँ पर गाया गया था, कोलकाता में, जब जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनके जो है आने की खुशी के अंदर जो है उनके स्वागत के रूप में ये राष्ट्रीय गान जो है गाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था 1911 के अंदर। कहाँ पर गाया गया था, कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू जो है ये पहली महिला है जो कि राज्यपाल बनी थी। कहाँ पर, कहाँ की राज्यपाल बनी थी, यूपी की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। किसने रखा था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास संविधानिक उपचारों का अधिकार। संविधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो जो संविधान सभा थी इसने कामकाज कब शुरू किया था दोस्तों? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में। कब किया था दोस्तों, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त
किसके हाथ में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास केंद्रीय सरकार, यानी केंद्र के अंदर जो है ताकत होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधियों का लोकतंत्र जो है भारत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया? यानी 26 जनवरी को ही जो है संविधान लागू क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने जो है 1930 के अंदर स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है 26 जनवरी को मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको एसएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी हमने पॉलिटी स्टार्ट की है, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन, वह क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो कि पीछे 3 साल के अंदर पूछे गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान देश को अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 26 जनवरी 1950 को। कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मसौदा समिति के सामने जो है प्रस्तावना किसने पेश की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी KT शाह ने। किसने कहा था दोस्तों? KT शाह ने। ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन को जो है भारत भेजा गया था, यानी भारत का संविधान स्थापित करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारत में संविधान सभा बनाई गई थी, जिसने कि जो है संविधान बनाया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन तक आप तक जो है पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।